पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म के उपलक्ष्य में दुनिया भर में ईद मिलाद उन नबी मनाई जाती है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण कोई बड़े आयोजन नहीं किए गए, ना ज्यादा जनसमूह रखा गया, और ऐसा ही नज़ारा हिंगन घाट में भी देखने को मिला। हर साल ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर हजारों मुस्लिम समुदाय के लोग जुलूस में आते हैं, लेकिन कोरोना काल की वजह से इस बार कोई जुलूस नहीं निकाला गया, न कोई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिर्फ कुछ युवाओं ने हर साल की परंपरा कायम रखने के उद्देश्य से शहर का भ्रमण करते हुए जुलूस निकाला। प्रतिवर्ष ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर काफी प्रमाण में तैयारी की जाती है। विभिन्न प्रभाग के नागरिक बड़े उत्साह के साथ अपनी बस्तियों में विभिन्न प्रमाण की सुंदर झांकियां बना के ईद मिलाद उन नबी रैली में शामिल होते थे, लेकिन कोरोना प्रादुर्भाव रहते इस साल उनकी खुशी जैसे छीन सी गई थी। लेकिन प्रशासन ने दिए नियमों के साथ अपने घर में रह के ही ईद मिलाद उन नबी का जश्न मनाया गया और प्रशासन को कोरोना रहते सहकार्य किया गया। आज सारी दुनिया में हजरत मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जन्मोत्सव पूरी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस देश में और दुनिया में जो कोरोना महामारी फैली है, इसके मद्देनज़र पूरी दुनिया में और हमारे देश भारत में कोरोना महामारी की वजह से ये जुलूस, ये जो खुशियों का जो माहौल था, हमने मुख्तसर में अपने शहर में अपने इलाके में मनाए और प्रशासन का जो निर्देश हमें दिया गया था उस निर्देशों का पालन करते हुए हमने पूरा पालन किया और अपनी जो खुशियाँ थी वो इजहार करी। हमने अपने आप जैसे देख रहे हैं, हमारे कुछ ही लोगों ने मिलकर, ज़्यादा इसमें तादाद नहीं थी, वरना हिंगन घाट शहर का जुलूस हर साल बड़ी तादाद में बड़ी संख्या में रूबा चौक से निकलकर शहर का गश्त करता हुआ रूबा चौक पे समाप्त होता था, लेकिन इस बार आज अल्हम्दुलिल्लाह जश्न विलादत यानि हज़रत मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के विलादत का दिन यानि जन्मोत्सव हम मुसलमानों ने अल्हम्दुलिल्लाह मनाया है और प्रशासन के रूल्स को फॉलो करते हुए, प्रशासन के रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम यहाँ से निकले। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर रूबा चौक से निकलकर जिस तरीके से हर साल हमारा जुलूस निकलता है, दो दो चार चार करके हम लोग ऐसे निकले और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने अपनी खुशियों को भी मनाया। ऐसा नहीं कि एकदम हर्षोल्लास के साथ में, हम थोड़ा गम है कि इस बार हम अपने नबी की हजरत मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जन्मोत्सव को हम हर्षोल्लास के साथ और खुशी के साथ नहीं मना पाए, लेकिन हमने अपने जो अकीदत और मोहब्बत है वो हमने पेश करी और प्रशासन के रूल्स को फॉलो करते हुए। हिंगन घाट से रवि नौरकर की रिपोर्ट, NBC News नागपुर।